हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं और इसमें हम पार्लियामेंट का चुनाव के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने सीट बताई आपको पार्लियामेंट की, में लोकसभा और राज्यसभा में जितनी सीटें होती हैं उन पर चुनाव होते हैं। लोकसभा में डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, बट इन राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर चूज द राज्यसभा मेंबर फ्रॉम देयर स्टेट। ओके, तो कैसे होता है चुनाव, हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया आपको कि 25 साल उम्र होती है जो कैंडिडेट लोकसभा के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है उसके लिए। ईवीएम के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ई से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। और कई जगह भारत में इतने दुर्गम इलाके हैं कि चुनाव करवाना बहुत मुश्किल होता है। एक फिल्म है न्यूटन, कभी अगर आपको मौका मिले तो ये ज़रूर देखना। उसमें किस तरह के इलाकों में एक ऑफिसर इलेक्शन करवाने के लिए जद्दोजहद करता है, जब उस जगह के लोगों को यही नहीं पता कि उस इलेक्शन में कौन खड़ा, वो जानते नहीं। मतलब ये कि इतने रिमोट एरिया भारत के जहाँ पर पहुँचना असंभव है, और पहुँच भी गए तो पब्लिक को ये समझाना मुश्किल है कि कौन खड़ा है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मतलब ऐसे लोग हैं। और तो इस तरह के जब लोग होते हैं तो कुछ लोग अपने सेल्फ डिक्लेयर ही विजेता बन जाते हैं। तो ये मूवी आपको रियलिटीज बताएगी। देखो, ये झारखंड वगैरह में है कि कैसे हाथियों पर ले जाया जाता है सामान, ठीक है। उसके बाद अबो आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट थीम इन क्लास 6 and 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक। यू आर फेमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, छठी और सातवीं में, छठी में आपने पढ़ा पंचायती राज के बारे में, ठीक है। उसमें आपने जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है ना, पंचायती राज को गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट वो होती है जो एक छोटे से इलाके को चलाती है, जैसे गांव वगैरह को। उसमें आपने पढ़ा कि सरपंच वगैरह, पंचायत का चुनाव कैसे होता है, ग्राम सभा के मेंबर द्वारा होता है। उसके बाद सेवन्थ में आपने पढ़ा स्टेट असेंबली किस तरह से बनती है, स्टेट की सरकार का चुनाव कैसे होता है। वर्तमान में हम कैसे, किसके बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के बारे में। तो हमने नीचे से शुरू किया, छठी क्लास में आपका लेवल थोड़ा सा कम होता है तो हमने नीचे पंचायतों के बारे में पढ़ा, जिसे आप देखते भी हो। दूसरे हमने स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की गवर्नमेंट के बारे में। और जो सबसे एपेक्स लेवल है, सबसे ऊपरी लेवल है, वो है यूनियन गवर्नमेंट या भारत सरकार, जिसे इंडियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, पार्लियामेंट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का एक अंग है। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार ही ये इंडियन गवर्नमेंट का चुनाव होता है, तो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये बताता है कि किस तरह से आइडिया होता है, मतलब किस तरह से हमारे कैंडिडेट चुने जाते हैं। यूज द ट्रम्प कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज एंड हाउ ए पर्सन गोट इलेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है बच्चों निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि एक सीट के लिए जो एरिया है, मान लो ये हरियाणा प्रदेश है, ठीक है, इसमें से सीटें निर्धारित हैं कि 10 सीट हरियाणा में से चुनी जाएगी, ठीक है। अब ये 10 सीटों में पूरे हरियाणा का क्षेत्र और पूरे हरियाणा की पॉपुलेशन बांट दी जाएगी। एक क्षेत्र ये बना दिया जिसमें 20 लाख लोग आ गए, दूसरा ये बना दिया, तीसरा ये बना दिया, ठीक है। इस तरह से 10 भागों में बांट दिया। इसका मतलब हरियाणा में लोकसभा के लिए 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी और 10 ही सीट होगी। जो आपका वोट है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आपको डालना होगा, निर्वाचन क्षेत्र में ही, और वहीं आपका वोट काउंट होगा। रिप्रेजेंट का मतलब ये है कि ये जो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई आपके राज्य से, ये 10 लोग
मान लो ये हिसार का की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हिसार क्षेत्र में जितने भी 10 या 20 लाख लोग आते हैं, 10 लाख लोग एमएलए के लिए, 20 लाख लोग एमपी के लिए, ये जो एमएलए है इन 10 लाख लोगों का क्या है, प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे आपका, जैसे मान लो आपकी क्लास, पूरी क्लास नहीं जाती प्रिंसिपल के पास, आप किसी एक को विश्वास करके प्रिंसिपल को अपनी बात रखने के लिए भेज देते हो। इसी तरह जो जनता है वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को लेजिस्लेचर में भेजती है ताकि वो एमएलए उनकी समस्याओं को लेजिस्लेचर में उठा सके, उसके लिए कानून बना सके, उसके लिए रूल चला सके। समझ में आई कि इतने सारे लोग तो हम लेजिस्लेचर में नहीं जा सकते, बट हम क्या करेंगे, हम एक मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव बना के लेजिस्लेचर में भेज देंगे। ओके, उसके बाद है डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंट बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली विधानसभा एंड पार्लियामेंट। अब आपने डिफरेंस जानना है तो मैं बता देती हूँ आपको। स्टेट लेजिस्लेचर होती है किसी एक राज्य में, हमारा देश में संघात्मक सरकार है, फेडरल सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट है, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, जिसमें एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों की भी सरकारें होती हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो सारे देश के लिए रूल बनाती है, सारे देश के लिए शासन चलाती है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ उस स्टेट में शासन चलाती है। इसी तरह जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो स्टेट के लिए कानून बनाती है, वहाँ से स्टेट की सरकार बनती है, बट जो पार्लियामेंट होती है उसमें भारत सरकार बनती है और भारत सरकार के लिए कानून पार्लियामेंट में ही बनाए जाते हैं। ओके, फॉर्म द लिस्ट बिटवीन आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। अब आपने एक काम करना है, बहुत अच्छा काम है, ऐसे काम जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, मतलब ऐसे काम जो आपकी राज्य की सरकार करती है, जिसे मुख्यमंत्री करता है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे भारत सरकार कर रही है। देखो बच्चों, बड़ी अच्छी चीज समझने की आसपास की चीज़ें मिलेंगी, आपने रुपया देखा होगा उस पर भारत सरकार लिखा मिलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रुपये पैसे का लेन देन है, नोटों की छपाई, ये सारे काम कौन करता है, भारत की सरकार करती है। लेकिन अगर आप हरियाणा स्टेट की बस में सवारी करोगे, टिकट मिलेगी आपको, उस पर लिखा मिलेगा हरियाणा रोडवेज है, ये हरियाणा रोडवेज की टिकट बताती है कि बसेज से जितने मामले संबंधित हैं उनका काम कौन करता है, उनका काम करती है हरियाणा गवर्नमेंट। दो चार और बता दूं मैं, दो चार अपना आप खुद करना आप, जैसे टेलीफोन का बिल आपको मिलेगा, अगर किसी के घर में लैंडलाइन फोन है उस पर आप देखना किस चीज़ का है। दूसरी तरफ आप पुलिस की वर्दी पर देख लेना, ये आप नेट से डाउनलोड करते हैं, कर सकते हो, पुलिस की ड्रेस, उस पर एक बैच लगा होगा पुलिस की वर्दी पे, महाराष्ट्र पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, तो आप आपको समझना है कि ये काम कौन कौन करते हैं, ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचेस। बताओ भाई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचेस क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वजनिक, सार्वजनीन भी बोलते हैं इसे कई जगह, सार्वजनीन, इसका मतलब होता है सभी, और अडल्ट का मतलब ऐसे व्यक्ति जिसे संविधान के अनुसार एक निश्चित आयु के बाद अडल्ट घोषित मान लिया जाता है, मतलब वो बड़ा हो चुका है ये मान लिया जाता है। जैसे हमारे देश का संविधान अडल्ट किसको मानता है, जिसकी उम्र 18 साल हो, और फ्रेंचेस का मतलब होता है वोट का अधिकार। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचेस का अगर मिला के हम बोलें तो इसका मतलब है सभी को वोट का अधिकार, सभी को मतलब सभी अडल्ट को वोट का अधिकार। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, रिप्रेजेंटेटिव मैंने लोगों का
प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जिसे लोगों ने चुना हो, डायरेक्टली मैंने खुद वोट डालकर, ओके ये शब्द हैं, आप समझ लेना ये। उसके बाद ये देखो चैम्बर है लोकसभा, कभी जाना लोकसभा में प्रोसीडिंग देखना, अगर नहीं संभव तो अभी आप टीवी में या फोन पे यूट्यूब पे पुरानी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। जैसे ही लिखोगे, टाइप करोगे डिस्कशन, आपको मिल जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा के चैम्बर में कौन लोग बैठे होते हैं और वो किस तरह की बातें करते हैं, क्या काम वो करते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं संसद, ठीक है, संसद भवन। संसद इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में परिवर्तन करने, नए रूल बनाने, संविधान में कुछ जोड़ने का काम किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए संविधान में कौन परिवर्तन कर सकता है, या कोई चीज अगर संविधान से हटानी है तो वो कौन हटा सकता है, वो हमारी संसद करती है। नए कानून भी कौन बना सकती है? नए कानून भी संसद ही बना सकती है। ऐसी बात नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर काम कानून नहीं बना सकती, जो उसको मामले सौंपे गए हैं उन पर वो कानून बना सकती है। इट हैज़ टू हाउस, इसके दो चैम्बर हैं, दो हाउस हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है। राज्यसभा को स्टेट ऑफ काउंसिल कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ 245 है। और उसकी जो, हाँ ये जरूरी है जानना, जैसे ये लोग बैठे हैं राज्यसभा के, ये सिटिंग है, इसकी एक ऊंची कुर्सी होती है ना, जैसे मास्टर साहब की होती है, कंट्रोल करे सबको, चुप करवाए क्योंकि एकदम सारे लोग बोलने लगते हैं, नंबर दे उनको कि आपका नंबर कब है। एक लोग यहाँ बैठा होता है व्यक्ति, उसे चेयर पर्सन कहते हैं, वो भारत का सदैव उपराष्ट्रपति होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं ये, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब कोई भी, चाहे कोई राष्ट्रपति कोई भी बने उपराष्ट्रपति, लेकिन वो हमेशा राज्यसभा का चेयरमैन होगा। लोकसभा का चेयरमैन जो स्पीकर होता है वो लोकसभा के मेंबर के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल है, टोटल रिप्रेजेंटेटिव उसमें 545 होते हैं और स्पीकर उन्हें उसकी कार्रवाई को चलाता है, ओके। रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या करती है? द रोल ऑफ पार्लियामेंट क्रिएटेड आफ्टर 1947। देखो वर्तमान में संसद कब बनी ये भी देख लो आप, वर्तमान में जो संसद है, अंग्रेजों के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, मैंने बताया था आपको, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। इसका काम क्या था? इसका काम था देश का संविधान बनाना, और ये बनी थी दिसंबर 1946, ओके 1946 में। ये संसद कुछ समय के लिए तो संसद संविधान बनाने का काम करती, और उसी टाइम वो साथ में देश का कानून बनाने का भी काम करती थी, मतलब देश के पार्लियामेंट का भी काम करती थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो सारे रूल हमारे देश के लिए बनाती थी। फिर 1952 में जब पहले इलेक्शन हुए तब सही रूप से इसका गठन हुआ। पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब है, पार्लियामेंट का मतलब होता है कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठकर कानून बनाते हैं, लोग चुनकर जाते हैं और वो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं और वो कानून बनाते हैं। हमारे देश के लोगों ने भी पार्लियामेंट में विश्वास किया कि डेमोक्रेसी आएगी तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। अमेरिका में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, वहाँ प्रेसिडेंट और जो हाउस ऑफ लोकसभा राज्यसभा है वो उनका कोई नाता नहीं है आपस में। कई बार जो हाउस ऑफ पीपल है उसमें दूसरी पार्टी के लोग बैठे होते हैं और जो प्रेसिडेंट होता है वो दूसरी पार्टी का होता है। ये जो है अमेरिका में, यूएसए में ये अलग से शासन है, उसे प्रेसिडेंशियल शासन कहते हैं। लेकिन हमारे देश में क्योंकि जो सरकार है वो कहाँ से निकलती है? लोकसभा में, और लोकसभा से निकलती है तो इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है।
वहां का राष्ट्रपति पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए कोई बाध्य नहीं है, लेकिन हमारे देश के पार्लियामेंट पर जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हर जवाब पार्लियामेंट में देना होता है। ओके, दीज पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्न बाय द कंसेंट। इससे लोग क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लिए जाते हैं देश के लिए लोग उसमें भागीदारी करते हैं, सरकार के साथ सहमति प्रकट करते हैं। द पार्लियामेंट इज नॉट इज आवर सिस्टम हैज इमिनेंस पावर बिकम बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो उसमें पावर लोगों के पास होती है, मतलब जनता के पास होती है। जनता के पास इसलिए होती है क्योंकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर होती है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जिस तरह से लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं वो उसी तरह होते हैं जिस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं। फिर भी हम बता देते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर आपने 7th में पढ़ी थी, डायरेक्टली जनता के द्वारा लोकसभा का इलेक्शन होता है। लोकसभा के इलेक्शन में लोग खुद वोट डालते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट से कई पॉलिटिकल पार्टियों के मेंबर खड़े होते हैं, जिसको ज़्यादा सीटें वोट मिलते हैं वही लोकसभा का मेंबर चुना जाता है। और जिस पार्टी को लोकसभा में सबसे ज़्यादा नहीं 50% प्लस वन जिसको सीट मिल जाती है वो क्या बन जाता है, वो सरकार बना लेता है। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड, 5 ईयर इसका काल है, ये मैंने बता दिया था। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी। न्यूमेरियस का मतलब बहुत सारी नहीं, जितनी सीटें हैं उतनी ही। जो लोकसभा के लिए जो सारा भारत है उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 543। दो को प्रेसिडेंट चुनता है एंग्लो इंडियन से, उनका इलेक्शन नहीं होता। ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन पर्सन, एक आदमी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतता है, उसे सीट बोला जाता है। और कितने से जीतता है, जिसको मेजोरिटी मिलती है, 50% प्लस हाफ का कोई वो नहीं है इसमें। द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों से चुने जाते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। जैसे आपने भी अपने देश में बहुत सारे राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ा होगा। रिजल्ट ऑफ 16th लोकसभा, अभी तक हमारे देश में 17 लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं। 2014 में 16वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए और 2019 में 17वीं लोकसभा के 17th लोकसभा के इलेक्शन हुए। 14 के आंकड़े यहाँ दिए हुए हैं कि बीजेपी को 282 सीटें मिली थी अकेली बीजेपी को, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी पार्टियां थी, ये मिलाकर कुल मेरे ख्याल से 300 से ऊपर आंकड़ा हो गया था। लेकिन अब 2019 में जो इलेक्शन हुए, इस पार्टी की सीटें आप बढ़ा देना 303 सीटें इसने भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार भारत में चल रही है। कांग्रेस की अब सीटें और भी घट गई हैं, ये 44 से शायद 42 या 40 पे आ गई है। और ये दूसरी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, नेशनल इंडियन कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है जो, अन्ना डीएमके पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये बंगाल में शासन कर रही है पार्टी। जो अन्ना डीएमके पार्टी है ये तमिलनाडु में काम कर रही है। ऑल इंडिया यूनियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, बीजू जनता दल जो है उड़ीसा में काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी पार्टियां हैं, ये देखो 543 सीटें लगभग 20-25 पार्टियों ने जीती हुई हैं, लेकिन लोग जो है सरकार बनाने का मौका सिर्फ एक पार्टी को मिला है और वो पार्टी है बीजेपी, ठीक है। उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, शो रिजल्ट फ्रॉम द थर्ड लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1962 में थर्ड इलेक्शन हुआ, क्योंकि 1952 में पहला इलेक्शन, 1957 में दूसरा, 1962 में तीसरा।
इसमें डाटास दिए हुए हैं, डाटा के द्वारा आपने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे ज्यादा पार्टी, किस पार्टी ने सीट जीती, किस राज्य से सबसे ज्यादा एमपी आते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसी राज्य से तो आएंगे। जैसे यूपी है, यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार अब तो 23-24 करोड़ हो रही होगी। तो यूपी से सबसे ज्यादा मेंबर आते हैं। लेकिन उसी तरह गोवा है, सिक्किम है, वहां जिस जनसंख्या बहुत कम है तो वहां से एक एक दो दो एमपी ही चुनकर आते हैं। ठीक है, वन सिलेक्टेड दिस कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक बार चुने जाने के बाद ये 5 साल तक एमपी रहते हैं पार्लियामेंट के। दीज एमपी टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, और सारे मिलकर ये पार्लियामेंट बनाते हैं। वन सिलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। एक बार जब आपकी पार्टी चुनी जाती है, एक बार जब पार्लियामेंट में एक पार्टी का गठन, एक सरकार का गठन हो जाता है, तो वो क्या क्या करती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपको पता है दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग जो रूलिंग पार्टी के हैं, जिन्हें सरकार चलानी है, जिनको मेजोरिटी है, और एक वो लोग जो ओपोजिशन है। ओपोजिशन के हाथ में सरकार के सरकार चलाना नहीं होता, वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सारे काम जो रूलिंग पार्टी करती है। रूलिंग पार्टी को काम करने के लिए मुझे बताओ किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कानूनों की ज़रूरत होगी। मान लो एक सड़क मंत्री है, वो सड़क मंत्रालय में सुधार करना चाहता है, सुधार के लिए कानून की ज़रूरत है उसे। कानून कौन बना के देगा? पार्लियामेंट देगा। तो पार्लियामेंट को कौन बताएगा कि उसे कानून की ज़रूरत है? वो सड़क मंत्री। इसका मतलब क्या है, सड़क मंत्री कानून बनाने की शुरुआत करेगा कि हमारे लिए कानून बनवा दो, और कानून भी बनाएगा वो खुद, उसका कच्चा जो ड्राफ्ट है वो खुद बनाएगा। मान लो अभी एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, एजुकेशन मिनिस्टर को लगा कि शिक्षा में बदलाव जरूरी है, 8वीं तक के बच्चों का बोर्ड होना चाहिए, फेल ना करने की नीति से हमारे देश का बड़ा नुकसान हो गया, तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेगा? एजुकेशन मिनिस्टर खुद तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आईएएस अधिकारी उसके साथ होते हैं, उसका उसको देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम। तो नई शिक्षा नीति की ऐसे वो रूपरेखा तैयार करेगा, लिख लेगा कई पेजों पे, इसको वो बिल के रूप में, इस कच्चे ड्राफ्ट को वो बिल के रूप में कहाँ रख देगा, लोकसभा में या राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह रख सकते हैं। फिर इस बिल पर वोटिंग ली जाती है, अगर बहुत 50% + 1 मतलब वही जीतने के लिए जो सरकार को चाहिए, अगर इस बिल के साथ हैं, तो ये बिल राष्ट्रपति के साइन करने के बाद क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। बस सीधी सी बात है, मतलब मान लो आपकी जो क्लास है वो मैथ का पीरियड सुबह लगवाना चाहती है, ओके, तो आपका जो मॉनिटर है वो क्या करेगा, आप लोगों की सलाह लेकर एक पूरा लेटर तैयार करेगा, ठीक है, बिल बोलेंगे उसको, इस बिल को वो सारी क्लास के सामने रखेगा। सारी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, 50 में से 26 बच्चे, 25 आधा हो गया ना, अगर हाथ उठा के कर देंगे यस, ठीक है, यस, तो इसका मतलब लोकसभा में बिल पास हो गया, आपकी क्लास में बिल पास हो गया। फिर वो सेक्शन बी में जाएगा जो राज्यसभा है, एक एक क्लास 7th क्लास पार्लियामेंट है, और उसके 2 सेक्शन हैं, ए और बी। ए ने पास कर दिया, बी में जाएगा, बी में के लो मान लो 50 बच्चे हैं, उन्होंने भी 26 बच्चों ने यस कर दिया, तो ये अब ये जाएगा प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल को प्रेसिडेंट मान लो, राष्ट्रपति मान लो। अगर राष्ट्रपति ने भी प्रिंसिपल ने भी साइन कर दिए, तो इसका मतलब ये स्कूल का रूल हो गया, लॉ बन गया, जो कच्ची पक्की बात थी अब कानूनी बन गई। इसी तरह हमारे देश का कानून भी बनता है। और ये तो बनवा लिया एजुकेशन मिनिस्टर और सरकार ने, मान लो अपोजिशन के लोग जो हैं, जो रूलिंग पार्टी के लोग नहीं है, वो इसके खिलाफ हैं, तो वो क्या करेंगे, वो खिलाफ में वोट दे देंगे। लेकिन यहाँ सरकार के, क्योंकि एमपी इतने होते हैं, तो वो सरकार की बाजी इसलिए लग जाती है, जीत जाते हैं वो, उनके जो भी रूल वो बनवाना चाहते हैं बन जाते हैं, ठीक है। टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनती है,
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट द राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के बाद अब हमने क्या करना है, ए लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपी बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। हमें देखना है कि हर पार्टी से कितने लोग आए हैं। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपी। अब मैंने ये भी बता दिया था कि पॉलिटिकल पार्टी में मेजोरिटी होने जरूरी है, मेजोरिटी का मतलब जितनी सीट है उनका आधा प्लस एक। सिंस देयर इज 543 मेंबर हैं, दो एंग्लो इंडियन है, तो लोकसभा में मेजोरिटी कितनी हुई, 273 मेजोरिटी हुई, आधा जो है वो 272 हुई, एक 273। जिस पॉलिटिकल पार्टी की 272 या 73 सीटें आएंगी वो सरकार बना लेगा। कई बार ये 272 होने के बाद भी सरकार नहीं बनती भाई, एक एक से सरकार गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट की वजह से गिर गई थी, 1996 की बात है। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाई ऑल द पोलिटिकल पार्टी दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी कोएलिशन। अगर किसी के पास कम आई, मान लो 200 आई, बड़ी पार्टी है 200 वाली, लेकिन उस पर 272 सीटों कमी रहेगी 73 की, वो क्या करेगा, जिससे उसके विचार मिलते हैं उसको कहेगा कि आजा भाई सरकार में शामिल हो जा, कोएलिशन कर ले। कोएलिशन का मतलब गठबंधन कर लो, और ऐसे गठबंधन आपको पता ही है कुछ ले दे के ही होते हैं। द लार्जेस्ट अमंगेस्ट दीज पार्टी इज कॉल्ड ओपोजिशन पार्टी। और जो लोग रूलिंग पार्टी में शामिल नहीं होते, ओपोजिशन में बैठते हैं, इन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।